एडिलेड टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम को पहले टेस्ट मुकाबले में 8 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस डे नाइट टेस्ट में जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। एडिलेड टेस्ट का तीसरा दिन टीम इंडिया के लिए बुरा सपना साबित हुआ। दूसरे दिन के अंत तक मजबूत दिख रही टीम इंडिया डे नाइट टेस्ट के तीसरे दिन महज 90 मिनट में ही सिमट गई और इस हार के बाद टीम इंडिया की मुश्किलें आने वाले मैचों में और भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि कप्तान विराट कोहली भारत वापस लौट रहे हैं और रोहित शर्मा भी इस दूसरे टेस्ट मैच में मौजूद नहीं रहेंगे। इस मैच में मिली हार के बाद कप्तान विराट कोहली ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल से इन भावनाओं को शब्दों में भी रो रहा हूं। हमारे पास 53 रन की बढ़त थी। जब आप 2 दिनों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अपने आप को एक मजबूत स्थिति में डालते हैं और फिर 1 घंटा आपको एक ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां जीतना सचमुच असंभव है। मुझे लगता है कि हमें आज थोड़ा और इरादा दिखाना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया पारी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली पारी में भी इसी तरह के क्षेत्र में गेंदबाजी की, लेकिन शायद हमारी मानसिकता रन बनाने की थी। सच कहूं तो कुछ अच्छी गेंदें थी, लेकिन गेंदों में कुछ भी कठोर नहीं था। मुझे लगता है कि ये मानसिकता थी, ये बहुत ही क्लियर था। ऐसा लग रहा था कि रन बनाना इतना मुश्किल था और गेंदबाजों को भरोसा हो गया। मुझे लगता है कि इरादे की कमी और गेंदबाजों को उनके क्षेत्रों में मार करने का संयोजन था। विराट कोहली ने आगे कहा कि जाहिर है कि आप टीम के उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध होना चाहते हैं, परिणाम वास्तव में अच्छा होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आगे जाने वाले लड़के इस पर विचार करेंगे और बॉक्सिंग डे पर और मजबूत बनेंगे। इसके अलावा विराट कोहली ने मोहम्मद शमी पर भी बात की। उन्होंने कहा कि शमी पर अभी कोई खबर नहीं है, वो अब स्कैन के लिए जा रहा है। बड़ी मुश्किल से उसका हाथ उठा, हम अभी स्कैन करवाएंगे और शाम को और जानेंगे। फिलहाल तो देखना होगा कि जिनके रहाणे की अगुवाई में टीम इंडिया दूसरे टेस्ट मैच में कैसा प्रदर्शन करती है, क्योंकि अगले 3 मैच बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाले हैं। आप भी इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।